नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन जो कि एक तकनीकी अभियान है, के द्वारा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मैनी टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे आईटीआई में, डीआरडीओ में, इसरो में, व्हेल में, गेल में, सेल में, एमडीएल, ओएफबीसी, ओएफवी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएल, बीएल एटसेट्रा एग्जामों में मैनी टाइम हर बार दोस्तों पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जिनकी एक सीरीज है, जिनको विद पिक्टोरियल व्यू के साथ में, विद नेक्स्ट लेवल मेथोलॉजी के साथ में अच्छे से समझाने और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस कैंपेन में, इस टेक्निकल अभियान में इनरोल होना है और आपको पार्टिसिपेट करना है, डे बाई डे अपनी स्किल को बूस्ट करना है, ठीक है। दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना है यूट्यूब पर, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन लाइक व्हेल, सेल, गेल, इसरो, डीआरडीओ, ओएफवी, आईयूसीएल, ओएनजीसी एटसेट्रा एग्जाम एंड डीएमआरसी ऑल्सो एक्सेट्रा एंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट होने वाला है, डे बाई डे स्किल को उनकी बूस्ट करने वाला कंटेंट है। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डे बाई डे अपनी स्किल को बूस्ट करते रहिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पार्ट 11 का है, जो पार्ट 11 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये मुझे पार्ट 11-12 में दोबारा से आपको लाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा लाने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करके पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द 7 पैरामीटर ऑफ द टूल सिग्नेचर स्पेसिफाई इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। दोस्तों, इसमें पूछा गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का 7 पैरामीटर जो कि सिग्निफिकेंट है, स्पेसिफाई करता है, वो इनमें से कौन सा है? नोज रेडियस, साइड रैक, साइड क्लियरेंस, एंड कटिंग एज। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पार्ट 11 में आपको टाइपिंग मिस्टेक की वजह से साइड ट्रैक बता दिया था, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो नोज रेडियस है। दोस्तों, वो आपको सही कर लेना है, ठीक है। इस चैनल का जो अभियान का मकसद है दोस्तों, डीप में आपको जानकारी देना और सही एवं 100% करेक्ट जानकारी देना है। दोस्तों, मैं भी आपको ये करेक्ट जानकारी इसलिए फ्लो कर पाता हूँ, इसलिए आप तक पहुँचा पाता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस फील्ड में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तब जाके मैं आपको ये करेक्ट जानकारी दे पा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डे बाई डे अपनी स्किल को बूस्ट करते रहिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 11 में बताया था, इसका करेक्ट आंसर नोज रेडियस है, का ये पिक्टोरियल व्यू है, इसके सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पार्ट 11 आपने नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिएगा, उसको अच्छे से मैंने डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। इसका ये पूरा पैरामीटर्स है, इसको आप अच्छे से एक बार समझ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, द एंगल मेड बाई द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कटिंग टूल इज कॉल्ड। दोस्तों, पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, द एंगल जो कि मेड बनता है द फेस ऑफ द टूल, टूल के फेस से, एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस कटिंग टूल से, तो उसको दोस्तों बोला जाता है हमारा रैक एंगल बोला जाता है, क्लियरेंस एंगल बोला जाता है, कटिंग एंगल बोला जाता है, या लिप एंगल बोला जाता है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रैक एंगल, कि रैक एंगल, टॉप रैक एंगल या बैक रैक एंगल, ऑल्सो नोन एज रैक एंगल के नाम से उसको हम जान सकते हैं, जो कि टूल पर दिया जाता है, वो कि फेस से और पैरेलल में। तो दोस्तों, रैक एंगल भी दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव जो कि दिया जाता है कार्बाइड टूल्स पर, कार्बाइड टिप्स पर नेगेटिव दिया जाता है, और पॉजिटिव दिया जाता है क्योंकि हम एक जिनकी लो टेंसल स्ट्रेंथ वाले जो हाई टेंसल स्ट्रेंथ वाले जो मटेरियल होते हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गए, ठीक है, इस तरह के जो सॉफ्ट मेटेरियल होंगे उनके लिए जो टूल्स का जो रखा एंगल रखा जाता है वो पॉजिटिव रैक एंगल रखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पूरा अच्छे से समझ लेना है। अभी दोस्तों आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन के साथ में 4 से 5 क्वेश्चन आपने और कंप्लीट कर लिए, तो दोस्तों ये नेक्स्ट लेवल मेथोलॉजी है, जिसके साथ में आपके 10 क्वेश्चन के साथ में 50 से 60 क्वेश्चन पर डे आपके कंप्लीट होते जाएंगे विद पिक्टोरियल व्यू के साथ में, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक, काफ़ी मजा आने वाला है इस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ ड्रिल इज यूज इन ड्रिल हार्ड मेटेरियल विद हाई कटिंग स्पीड इज। हाई कटिंग स्पीड की ड्रिलिंग, हाई कटिंग स्पीड पर ड्रिल करने के लिए हार्ड मेटेरियल के लिए किस प्रकार के ड्रिल का हम उपयोग करेंगे? हाई कार्बन स्टील के, हाई स्पीड स्टील के,
एंड कार्बाइड टिप ड्रिल के, एंड HCS. HCS तो नॉर्मली आप कहाँ किया जाता है, पहले लकड़ी वगैरह में किया जाता था, बट अब इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों हार्ड के लिए पूछा हुआ है, हार्ड के लिए और हाई स्पीड पर करना है, हाई कटिंग स्पीड पर करना है हमने यूज़, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कार्बाइड टिप वाला, ठीक है। तो कार्बाइड टिप इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है ये फुल्ली मतलब कार्बाइड का है, कार्बाइड टिप, इसमें यहाँ पर ब्रेज होती हैं, इंसर्टेड होती हैं, सॉरी ब्रेज होती है, ठीक है, या कार्बाइड टिप ब्रेज होती है, कुछ ऐसे होते हैं, बट ये क्या है, इसकी पूरी बॉडी कार्बाइड वाली है, तो ये फुल कार्बाइड बॉडी का कार्बाइड ड्रिल है, ठीक है, इस टाइप का हो गया। कुछ ऐसे भी आते हैं जिनमें ओनली इंसर्ट होती है, कुछ आगे बिट लगी होती है, तो उस टाइप के भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जी कोड आर ऑल्सो नोन एस्ट। दोस्तों ये CNC का चैप्टर का है, जो कि CNC से भी हर बार एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। जैसे कि जी कोड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रिपेट्री फंक्शनल कोड, मिसलेनियस फंक्शन कोड, डाटा फंक्शनल कोड, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जी कोड्स को हम जानते हैं प्रिपेट्री फंक्शनल कोड के द्वारा, और एम कोड जो होते हैं उनको बोलते हैं मिसलेनियस फंक्शनल कोड, ठीक है। तो जी कोड का क्या हो गया, प्रिपेट्री, एम कोड का हो गया, अगर जी कोड की जगह आपसे पूछा जाता है एम कोड ऑल्सो नो कॉल्ड एज, तो उसका हो जाता है मिसलेनियस फंक्शन कोड, ठीक है। कुछ यहाँ पे जी कोड मेरे द्वारा दिखाए गए हैं, जैसे कि इसकी एक फुल डेफिनेशन भी दी हुई है यहाँ पे जी कोड की, जी कोड आर प्रिपरेटरी फंक्शन विच इन्वॉल्व एक्चुअल टूल मूव्स, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ऑफ द मशीन, विच इंक्लूड, जो कि इंक्लूड होता है रैपिड मूव्स में, फीड में, फीड मूव में, रेडियल फीड में, मूव्स में, ड्वेल में, ड्वेल मतलब एक बोल सकते हैं ड्वेल, ध्यान केंद्रित, किसी ऊपर केंद्रित करना, ठीक है। एंड रफिंग एंड प्रोफाइलिंग साइकिल्स, मोस्ट जी कोड डिस्क्राइब्ड हियर और मॉडल, मॉडल के साथ जो कि एक मॉडल है, मीनिंग दैट दे रिमेन एक्टिव अंटिल कैंसल्ड बाय द अनदर जी कोड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जी कोड दिखाए गए हैं, जैसे कि जिनका मतलब यूज मोस्टली होता ही होता है, ठीक है। जैसे कि G00 वाले हो गया, G00 शो करता है पोजिशनिंग इन रैपिड, किसी भी एक पोजिशनिंग में रहा रैपिड में, रैपिड मतलब बहुत तीव्रता से। G01 शो करता है लीनियर इंटरपोलेशन को, ठीक है। G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज मतलब क्लॉक वाइज, ठीक है। G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन मतलब काउंटर, सॉरी CCW मतलब एंटी, ये होता है मतलब एक तरह से लेफ्ट वाइज में, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। ड्वेल होता है ध्यान केंद्रित, मतलब किसी भी एक सेंटर पे, किसी भी एक मोशन जगह पे फिर से वहीं पर लाना, ठीक है। G20 होता है इंच, यूनिट को इंच में कन्वर्ट करना। G21 होता है मीट्रिक यूनिट लाना। G28 होता है ऑटोमेटिक जीरो रिटर्न। तो इस तरह से दोस्तों कुछ और ये जो इंपॉर्टेंट जी कोड है वो आपको देख लेने हैं। तो इनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो अवश्य आप इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह जी कोड्स हो गए, एम कोड्स हो गए, इन दोनों में से आपको जो मैनी टाइम्स पूछे जाते हैं, अगर आप इनमें से भी देख लेते हो जो मैंने आपको यहाँ जी कोड दिए हैं, तो इनमें से भी आपको एक से दो क्वेश्चन अवश्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा है, विच टाइप्स ऑफ स्क्रैपर इज यूज फॉर स्क्रैपिंग स्मॉल डायमीटर होल्स एंड डिवरिंग द एज ऑफ होल्स। इनमें से किस टाइप का जो स्क्रैपर होता है स्मॉल डायमीटर की हॉल पे जो बर्स वगैरह जाती है उनकी डिवरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाफ राउंड स्क्रैपर स्मॉल डायमीटर के हॉल्स के लिए नॉट अप्रोप्रिएट होता है, नॉट यूजफुल होता है। एंड फ्लैट स्क्रैपर नहीं यूज़ कर सकते स्मॉल डायमीटर के हॉल पर, फुल नोज स्क्रैपर भी नहीं कर सकते। थ्री स्क्वायर स्क्रैपर जो होता है वो आगे से बहुत पतला होता है, होता तो थ्री स्क्वायर वाला आपको दिख रहा हो, थ्री स्क्वायर ट्रायंगल टाइप का हो गया ये। इसकी जो आगे की जो एज बनती है ना फ्रंट, मतलब एक नॉक टाइप की, वो एक ग्राउंड शेप में हो जाती है थोड़ी, तो उसके द्वारा हम थोड़ा सा क्या करते हैं इसको एक पॉइंट, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये थ्री स्क्वायर स्क्रैपर। जैसे कि ये होल है, इसके होल पे यहाँ कुछ एज पर या वर वगैरह आई हुई है, 1.2 mm का होल है, उसके बाद ये आपको कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये क्या होता है थ्री स्क्वायर स्क्रैपर होता है, इसी के द्वारा हम यहाँ पर इस तरह की जो फिनिशिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, डिवरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कुपोला। कुपोला क्या है, कुपोला दोस्तों एक फर्नेस है, कटिंग टूल है, एक मेटल है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो कुपोला क्या है, कुपोला एक फर्नेस है,
इसका करेक्ट आंसर है फर्नेस है। ठीक है, कोयला का क्या काम होता है दोस्तों, जो कि ब्लास्ट फर्नेस होती है, मैं इसका स्टार्टिंग प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ब्लास्ट फर्नेस जो होती है, ब्लास्ट फर्नेस क्या काम करती है, उसमें आयरन ओर डला होता है, कोक डला होता है, चूना डला होता है, उसके द्वारा हम पिग आयरन बनाते हैं। और जो पिग आयरन हमारा बनता है, पिग आयरन को दोस्तों हम कुपोला में डालते हैं, कुपोला में डालने के बाद हम कास्ट आयरन तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसका ये पूरा टोटल प्रोसेस है यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक बार यहाँ पर आपको इस चित्र को अच्छे से देख लेना है, अगर मैं इसको अच्छे से आपको डिफाइन करने लगा तो यही वीडियो कम से कम 1 घंटे की बैठ जाएगी दोस्तों। कुपोला के ऊपर ही कम से कम ये तो 1 घंटे का लेक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुपोला के बारे में अच्छे से एक बार देख लेना। मैंने आपको कुपोला फर्नेस दिखा दी, कुपोला का मेन जो काम होता है वो बता दिया। कुपोला हम क्यों कुपोला का काम क्या होता है, कास्ट आयरन बनाने का, इससे हमें कास्ट आयरन प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेशियो मेन अलॉइंग एलिमेंट टंगस्टन क्रोमियम एंड वैनेडियम इन HCS। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है क्या रेशियो होता है टंगस्टन क्रोमियम और वैनेडियम का HCS में। तो दोस्तों उसका जो रेशियो होता है 18%, 4% एंड 1%। सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, 18% हमारा टंगस्टन होता है, 4% हमारा क्रोमियम होता है, 1% वैनेडियम होता है, बट ऑल्सो 0.6% कार्बन भी होता है। ठीक है, वो इसमें दिया नहीं है, बट मैं एक बार आपको एडिशनली बता देता हूँ, इसमें 0.6% कार्बन भी होता है। ठीक है, तीन टाइप्स की दोस्तों HCS होती हैं, जिसमें पहले में क्या होता है 14-4-1 होता है, जिसमें यही सेम कंटेंट होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक 22-4-1 होता है, 1% सेम एलिमेंट ही होते हैं, बट उसमें 2-4% कोबाल्ट भी मिली होती है, बट ऑन एंड साथ में अदर कंटेंट में जो मिला अदर जो इसका एलिमेंट्स उसमें 0.6-7% कार्बन भी उसमें होती है। दोस्तों तीन टाइप की HCS होती हैं। ठीक है, इसको हाइड स्पीड स्टील, एयर स्टील, ऑल्सो नोन एज, इन नामों से भी जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द एज टू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट रिविट शुड बी, पहले गिलक के किनारे से किनारे तक की अधिकतम दूरी होनी चाहिए। दोस्तों ये दो रिविट बता रहा है, दो रिविट हमारे लगे हुए, उसमें पहले गिलक के किनारे से दूसरे किनारे के सेंटर से दूसरे गिलक के सेंटर तक की जो दूरी होती है वो डबल होती है। आपको पता ही होगा, आपने अगर रिविटिंग की है तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ट्विस्ट ऑफ द डाया ऑफ रिविट। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा ये कि साइंस से फिजिक्स से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, या आपने पढ़ा ही होगा सदिश राशि अदिश राशि। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सदिश राशि। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी 9, प्रेशर 9, मास 9। दोस्तों इनमें से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक सदिश राशि नहीं है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, क्योंकि इनमें से इन तीनों में एरिया में क्या है, ओनली परिमाण है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है, प्रेशर में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, मास में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। तो दोस्तों इनमें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, साथ में डायरेक्शन भी होती तो ये स्केलर बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी क्या वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी दी गई थी, जैसे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर, तो दोस्तों ये थी हमारी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, वेलोसिटी, एसेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्सो अदर एनी अदर्स। दोस्तों जो इससे रिलेटिव होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, वो वेलोसिटी में आती हैं, तो वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्केलर एंड वेक्टर दोनों देख लेनी है अच्छे से। आई होप आपको समझ में आएगा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी भी हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, साइंस से अगर क्वेश्चन आता है तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी एग्जामिनर कभी नहीं भूलता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में कौन सी गैस यूज की जाती है, ये क्वेश्चन है हमारा। आपने दोस्तों हीट ट्रीटमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा नाइट्राइडिंग प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है, नाइट्राइडिंग क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस है गैस हार्डनिंग का, जिसमें सबसे पहले होता है कि हमें, अगर स्टार्टिंग से समझाने लगूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, आपको किसी और दिन इस पर एक लेक्चर लेके आऊँगा मैं हीट ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसमें मेन मेन टॉपिक होंगे वो उसको उठा के।
मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डे बाई डे अपनी स्किल को बूस्ट करते रहिएगा। इसको चलते हैं क्वेश्चन पे। नाइट ट्रेडिंग प्रोसेस में पूछा गया कौन सा नाइट ट्रेडिंग प्रोसेस में कौन सी गैस फ्लो की जाती है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो अमोनिया होता है, अमोनिया गैस इसमें फ्लो की जाती है, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ मेन बॉडी ऑफ ए ऑक्सीजन सिलेंडर। दोस्तों इसमें मेन बॉडी का कलर पूछा गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ मेन बॉडी ऑफ ए ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की मेन बॉडी का कलर पूछा गया, ना कि उसके ऊपर के भाग का। ऊपर के भाग का जो होता है वो व्हाइट होता है, मेन बॉडी का ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। ये भी अच्छे से देख लेना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। दोस्तों कुछ यहाँ पर सिलेंडर्स हैं जो कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने आपको बताया, इसकी बॉडी जो होगी मेन बॉडी वो ब्लैक कलर में, ऊपर की बॉडी वाइट कलर में। नाइट्रस ऑक्साइड पूरा ब्लू में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे में होता है, हीलियम आपको इस कलर में मिल ही जाता है, ठीक है। ये कुछ और कलर कोडिंग दी गई है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी यूजफुल कंटेंट लगा होगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से डे बाई डे अपनी स्किल को बूस्ट करने के लिए टेक्निकल कैंपेन के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।